Today we'll be discussing on with respect to our second topic in income tax, which is about residential status. तो जब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो सबसे पहले हमें अगर ये जानना है कि आज रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से हम क्या अचीव कर पाएंगे, व्हाट आर द थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस चैप्टर. तो आज अल्टीमेटली जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स को कलेक्ट करना. अब जब टैक्स को अगर उसे कलेक्ट करना है, तो अब हमने ये जान लिया है कि अगर टैक्स का कलेक्शन करना है तो टैक्स इज नथिंग बट अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम. तो यानी इनकम क्या होती है ये जानना पड़ेगा, और अगर इनकम क्या होती है ये जानना है तो उसके लिए जानना पड़ेगा उस व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या. इसलिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट इनकम, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस. क्योंकि अल्टीमेटली एक व्यक्ति की कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के स्टेटस के ऊपर. यानी एक व्यक्ति, लेट अस से फॉर एग्जांपल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट स्टेटस होते हैं. तो अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट होगा तो वो इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, और सेम इनकम अगर वो एज अ नॉन रेसिडेंट कमाएगा तो हो सकता है वो इनकम उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल ना हो. तो यानी कौन सी इनकम पे उसे इंडिया में टैक्स देना है और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है, आज ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है. इसलिए इनकम डिटर्मिनेशन से पहले स्टेटस डिटर्मिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट टास्क फॉर दिस सब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. आज मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दो कंट्री में काम कर रहे हैं. लेट अस से वो इंडिया में भी काम कर रहे हैं और एक और कंट्री ले लेते हैं, मान लीजिए अमेरिका. तो दोनों जगह इनका बिजनेस है. तो मिस्टर ए इंडिया वाले बिजनेस से 5 लाख कमाता है और अमेरिका वाले बिजनेस से 8 लाख रुपए कमाता है. यानी साल का उसने टोटल कितना कमाया, 13 लाख रुपए. वही अगर बात करें मिस्टर बी की, तो वो भी सेम इंडिया वाले बिजनेस से 5 लाख कमाता है और अमेरिका वाले बिजनेस से 8 लाख कमाता है. यानी वो भी साल का 13 लाख रुपए कमा रहा है. अब वो जितना भी कमा रहे हैं, पर अब हमें देखना है इनका स्टेटस क्या था. और जब स्टेटस की हम बात करते हैं, तो स्टेटस इज अ थिंग विच नीड्स टू बी चेक्ड ईच ईयर. तो हर साल चेक होने वाली चीज है. तो यानी हमें जो इनकम, हमारे लिए जो रेलिवेंट इनकम का साल रहेगा, यानी हमारे लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, वो है प्रीवियस ईयर 18-19. तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर 18-19 में मिस्टर ए का जो स्टेटस था वो एक रेसिडेंट का था, और मिस्टर बी का जो स्टेटस था वो एक नॉन रेसिडेंट का था. यानी उस साल के लिए मिस्टर बी जो है वो नॉन रेसिडेंट था, और उसी साल के लिए मिस्टर ए जो है वो रेसिडेंट था. तो अब जब हम साल की इनकम निकालने बैठेंगे, तो कौन सी इनकम पे मिस्टर ए को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा और कौन सी इनकम पे मिस्टर बी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मिस्टर ए को इंडिया में जो टैक्स देना पड़ेगा वो उसकी 13 लाख की कमाई पे देना पड़ेगा. क्योंकि आप अभी के लिए ये मान के चलिए रेसिडेंट जो भी कमाता है उसके लिए इंडिया में वो टैक्सेबल होता है. तो उसने जो इंडिया में 5 लाख कमाया उस पर तो वो इंडिया में टैक्स देगा ही देगा, उसके साथ साथ उसने अमेरिका वाले बिजनेस से जो 8 लाख कमाया उस पर भी वो इंडिया में टैक्स देगा. क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस रेसिडेंट का. लेकिन अगर वही किसी व्यक्ति का स्टेटस नॉन रेसिडेंट का हो जाता है, तो सेम कमाई पे, सेम 5 लाख इंडिया वाले बिजनेस से कमाया, 8 लाख रुपए अमेरिका वाले बिजनेस से कमाया, लेकिन अब इंडिया में वो किस पे टैक्स देगा, तो वो केवल इसी 5 लाख पे टैक्स देने वाला. यानी मीनिंग देयर बाय, कमाई तो दोनों ने सेम करी, सेम बिजनेस थे,
एक का इंडिया में अमेरिका में, दूसरे का भी इंडिया में अमेरिका में, दोनों ने सेम कमाया, लेकिन स्टेटस के आधार पे ए की जो इनकम मानी जाएगी इंडिया में वो मानी जाएगी 13 लाख, और बी की जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी केवल 5 लाख। तो बी जो टैक्स देगा वो केवल 5 लाख पे टैक्स देगा इंडिया में, और ए जो टैक्स देगा वो 13 लाख पे टैक्स देगा। तो यानी अल्टीमेटली टैक्स आज किस पे डिपेंडेंट हो गया? इनकम पे। और ये इनकम किस पे डिपेंडेंट हो गई? उन व्यक्तियों के स्टेटस पे। तो इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, कि कोई भी इनकम निकालने से पहले हमें उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है वो स्टेटस पता होना चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द स्टेटस विल बी रिक्वायरिंग टू कैलकुलेट द इनकम, एंड बेस्ड ऑन द इनकम विल बी रिक्वायरिंग टू कैलकुलेट द टैक्स। करेक्ट। तो इसलिए ये चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो काम का है हमारे लिए। तो कोई भी हेड पढ़ने से पहले स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो अब आज हमें आज टैक्स किसको किसको देना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने देखा था सेक्शन 4 जो इनकम टैक्स का बना हुआ था, विच वॉज द चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता था एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। और जब एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स, तो अब पर्सन कौन होते हैं वो ऑलरेडी 231 में हम देख चुके कि ओवरऑल कितने टाइप के पर्सन होते हैं, 7 टाइप्स के। कौन कौन से? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, AJP। तो आज ये 7 प्रकार के पर्सन है जिनको अपनी इनकम पे टैक्स देना है। तो यानी ये 7ों प्रकार के लोगों की इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब ये 7ों की इनकम कैलकुलेट करना है तो ये 7ों का स्टेटस कैसे निकाला जाता है वो स्टेटस निकालना सीखना पड़ेगा। तो यानी ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है, ये चैप्टर वही तरीका बताने वाला है कि ये सभी 7ों लोगों की स्टेटस आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सभी लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से डिटरमाइन होता है वो पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 में। तो अल्टीमेटली ऑलरेडी सेक्शन 4 तक हमने फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा था। सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि ये जितने भी पर्सन हमने पढ़े थे 231 में, वैरायटी ऑफ पर्सन, उन सब का स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो दिया हुआ है सेक्शन 6 में। एंड बेस्ड ऑन स्टेटस जो हमने देखा था कि ए की 13 लाख की इनकम टैक्सेबल है और बी की 5 लाख की इनकम टैक्सेबल है, यानी बेस्ड ऑन स्टेटस कौन सी इनकम किस व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल होती है, यानी व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जब वो जानना है तो उसका जवाब मिलेगा हमें सेक्शन 5 से। तो सेक्शन 6 बताता है कि आपका स्टेटस कैसे निकाला जाता है, और सेक्शन 5 बताएगा कि बेस्ड ऑन द स्टेटस अगर आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम किन किन व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल होती है। तो ये 2 तरीके की चीजें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बिफोर स्टार्टिंग द हेड्स ऑफ इनकम वी शुड बी अवेयर ऑफ। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि आज तक जो भी हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, वो होगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। हमने कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा। हमने जो पढ़ा होगा, सुना होगा, जो जानकारी ली होगी कभी, वो जानकारी है सिटीजनशिप की, कि व्हेन अ पर्सन इज रिगार्डेड एज एन इंडियन सिटीजन और व्हेन अ पर्सन इज रिगार्डेड एज एन NRI, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। तो उनके बारे में जाना होगा। एंड मेक इट वेरी क्लियर, सिटीजनशिप हैज नथिंग टू डू विद द रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी उन 2 चीजों को मिक्स नहीं करना। मीनिंग देयर बाय, इवन एक व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है, स्टिल ही कैन बी नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। एंड इवन एक व्यक्ति जो कि फॉरेनर है, फॉरेन सिटीजन है, उसके बावजूद फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स वो एक रेसिडेंट हो सकता है। यानी अब हमें कौन सा, जो इंडियन सिटीजन होगा वही रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ऐसा बात हमेशा सही नहीं हो सकता। यानी कल को इनकम टैक्स के लिए इवन आई कैन बी रिगार्डेड एज अ नॉन रेसिडेंट, भले ही मैं यहां रहता हूं, लेकिन इवन आफ्टर दैट अगर मैं कुछ कंडीशन को फुलफिल करता हूं तो मुझे भी इनकम टैक्स पर्पज के लिए एक नॉन रेसिडेंट माना जा सकता है। बट क्या नॉन रेसिडेंट हूं इसका मतलब मैं इंडियन सिटीजन नहीं रहा? आई एम स्टिल एन इंडियन सिटीजन। करेक्ट। यानी इंडियन सिटीजन होने के बावजूद इनकम टैक्स के लिए मैं नॉन रेसिडेंट बन सकता हूं, और कोई फॉरेनर होने के बावजूद इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए रेसिडेंशियलशिप एंड सिटीजनशिप ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है, ये दोनों को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी हमें सिटीजनशिप को लेके बात नहीं होती है कभी भी। करेक्ट। तो हमेशा जो बात होगी वो बात होगी आपके रेसिडेंशियल स्टेटस की, और स्टेटस एक ऐसी चीज है जो हर साल चेक किया जाता है। जब हर साल चेक किया जाएगा, यानी हर साल हो सकता है इस साल मैं रेसिडेंट था, अगले साल नॉन रेसिडेंट हो जाऊं, अगले साल नॉन रेसिडेंट था तो उसके अगले साल रेसिडेंट हो जाऊं, तो थिंग्स आर पॉसिबल।
करेक्ट या नहीं, ये स्टेटस हर साल चेक करने वाली चीज है। तो अब अगला सवाल ये उठता है, अगर हर साल चेक करना है तो मतलब स्टेटस कौन से साल का चेक करना है? अब 18-19 में इनकम कमाया, 18-19 प्रीवियस ईयर है, 19-20 उसका असेसमेंट ईयर है। तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, अगेन द कंफ्यूजन बिगिंस कि कौन से साल का चेक किया जाता है स्टेटस। आज रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर का चेक किया जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर का चेक किया जाएगा। मान लीजिए मैं 18-19 में रेसिडेंट था लेकिन 19-20 में नॉन रेसिडेंट हो गया, और वही सिचुएशन होती है कि मैंने इंडिया से 5 लाख कमाया और अमेरिका से 8 लाख कमाया, तो अब कौन से बेसिस पे इंडिया में मेरी इनकम कैलकुलेट की जाएगी? 18-19 के स्टेटस के बेसिस पे या 19-20 विच वॉज द असेसमेंट ईयर उस ईयर के बेसिस पे? तो हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाला जा रहा है? ताकि आपकी इनकम क्या है ये पता चल सके, और मेरी इनकम क्या है ये पता करना है तो इनकम कौन से साल रहती है? इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर की रहती है। इसलिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो रेसिडेंशियल स्टेटस भी कब का डिटरमाइन किया जाता है? वो डिटरमाइन किया जाता है ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का निकालना है तो वो कौन से ईयर का निकालना है? उसके प्रीवियस ईयर का निकालना है। तो यानी अगर 18-19 में मैं रेसिडेंट था तो भले ही 1920 में मैं नॉन रेसिडेंट हो चुका, लेकिन स्टिल क्योंकि 18-19 में मैं रेसिडेंट था तो जब असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करने की बारी आएगी तो वो पूरे 13 लाख रुपए पे मैं टैक्स दूंगा, ना कि 5 लाख रुपए पे। क्यों? क्योंकि 18-19 में मेरा स्टेटस रेसिडेंट का था। करेक्ट। तो इसलिए बेसिकली ये कुछ कॉमन बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो प्रीवियस ईयर का निकाला जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक किया जाता है, यानी ये ऐसा नहीं है वन टाइम इवेंट कि एक बार रेसिडेंट हो गए तो जीवन भर रेसिडेंट ही रहोगे। तो हो सकता है एक साल 18-19 में आप रेसिडेंट हो, अगले साल नॉन रेसिडेंट हो, और फिर आप रेसिडेंट बन सकते हैं। यानी दिस इज अ थिंग टू बी चेक्ड ईच ईयर, ईच प्रीवियस ईयर। तो अब सवाल उठता है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो वन बाय वन हमें सभी पर्सन्स का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहला पर्सन ही इंडिविजुअल रहता है। तो अगर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल का क्या स्टेटस हो सकता है? तो आमतौर पर जब रेसिडेंशियल स्टेटस की बात आती है तो स्टेटस दो में से एक हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है, या कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट हो सकता है। यानी अगर हमें स्टेटस निकालना है तो स्टेटस दो में से एक हो सकता है, आइदर अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया और अ पर्सन कैन बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। यानी पास तो पास और फेल तो फेल। करेक्ट। अब ऑब्वियसली फर्दर कैटेगरीज किसकी रहती है? पास की रहती है कि फेल की रहती है? तो हमेशा जब कोई पास होता है तब बोला जाता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, या 90% आया, या 45% आया, या मैं जस्ट पास हुआ, एंड सो ऑन। यानी कैटेगरी हमेशा किसकी रहती है? पास की रहती है। कभी फेल होने वाले का सुना है कि वो कोई आके बोलता है मैं फर्स्ट डिवीजन से फेल हो गया, मैं जस्ट फेल हुआ, और सेकेंड डिवीजन फेल? ऐसा नहीं, फेल मतलब फेल। यानी अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो बात ही खत्म, कोई फर्दर कैटेगरी नहीं होता नॉन रेसिडेंट का। इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट दैट मीन्स यू आर अ नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन गए यानी पास हो गए तो अब इसकी और कैटेगरीज होती है। तो अगर आप रेसिडेंट हैं तो कैसे वाले रेसिडेंट हैं? तो आमतौर पे रेसिडेंट भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आप रेसिडेंट बन गए तो रेसिडेंट भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला, रेसिडेंट तो हैं लेकिन कैसे वाले? ऑर्डिनरी वाले। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट तो हैं पर कैसे वाले? एकदम ऑर्डिनरी वाले। और दूसरा होता है, रेसिडेंट तो हैं बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, यानी अगेन आप रेसिडेंट तो हैं पर कैसे वाले? नॉट ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट है। यानी यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब अभी सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ये समझिए, तीन प्रकार के लोग रहते हैं कंट्री में।
नॉन रेजिडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो मान के चलिए हमेशा इंडिया के बाहर ही रहता है। नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो ज्यादातर इंडिया के बाहर ही रहता है, वो इंडिया में रहता ही नहीं, बहुत कम रहता। ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा व्यक्ति जिसने कसम खाया है मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा ही नहीं कभी, मतलब वो अपना गली मोहल्ला भी नहीं छोड़ता, इंडिया तो दूर की बात है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो पूरे टाइम यहीं पड़े रहते हैं, करेक्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो आना जाना करते हैं, जो इंडिया में भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, मतलब पूरे टाइम इंडिया में नहीं पड़े रहते, तो वो रेसिडेंट तो हैं पर ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये एक सिंगल वर्ड है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये सिंगल वर्ड है, मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप इस वर्ड को लेके गलती करने वाले आगे, करेक्ट। और जब गलती करेंगे तब मैं दोबारा आऊंगा आपको और बोलूंगा कि मैंने बोला था ये एक वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड नहीं है, करेक्ट। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट तो है, अब चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो आखिर होते रेसिडेंट ही है, मतलब नॉट ऑर्डिनरी वाली वो भी रेसिडेंट नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी रेसिडेंट ही है, करेक्ट। पर रेसिडेंट के दो प्रकार हो गए, आइदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और आइदर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी अगर एब्रीविएशन देना हो तो वी कैन डेजिग्नेट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज ओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज एनओआर, और नॉन रेसिडेंट एज एनआर। यानी अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो एक इंडिविजुअल, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का, तो एक इंडिविजुअल मैं बोल सकता हूं या तो वो ओआर हो सकता है, या वो एनओआर हो सकता है, या वो एनआर हो सकता है, ये तीन में से एक ही स्टेटस उसको मिल सकता है। अब अक्सर हमसे सवाल आता है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, जब मिस्टर एक्स का स्टेटस निकालने के लिए आता है हम पूरा कैलकुलेट करेंगे बट लास्ट में लिख के आते हैं हेंस मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर आपने ये आंसर लिख के आया कि मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया तो सवाल है आपने तो जवाब दिया ही नहीं है पूरा, आपने जो जवाब दिया वो तो आधा अधूरा दिया, रेसिडेंट तो कोई स्टेटस ही नहीं होता, रेसिडेंट में या तो ओआर होता है या एनओआर होता है, लेकिन आपने तो जो स्टेटस दिया वो तो रेसिडेंट का दे दिया, और रेसिडेंट तो कोई आंसर होता ही नहीं, मतलब फाइनल कंप्लीट आंसर आपने नहीं दिया, और जब पूरा आंसर नहीं देंगे तो नंबर पूरे कहां से मिलने वाले। तो इसलिए जब भी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पूछेगा तो आपका आंसर तीन में से एक होना चाहिए, या तो आपको बोलना है मिस्टर एक्स ओआर है, या आपको बोलना है मिस्टर एक्स एनओआर है, या आपको बोलना है एनआर है। अगर आपने बोला मिस्टर एक्स रेसिडेंट है तो इसका मतलब आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो कैसा वाला रेसिडेंट है, वो ओआर वाला है कि एनओआर, क्योंकि रेसिडेंट तो दोनों ही होते हैं, तो आपने अपना आंसर कंप्लीट नहीं किया, करेक्ट। तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति का स्टेटस तीन में से एक हो सकता है, आइदर ही कैन बी ओआर, आइदर ही कैन बी एनओआर, और ही कैन बी एनआर, करेक्ट। अब सवाल है कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति ओआर कब होता है, एनओआर कब होता है, और एनआर कब होता है? तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो दी गई है एक्ट के सेक्शन 6 में। तो अब एक व्यक्ति, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, अ पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉट अ रेसिडेंट, करेक्ट। तो उसके लिए एक्ट में दो बेसिक कंडीशन दी हुई है, तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 जो है उसमें दो बेसिक कंडीशन दी है, बेसिक कंडीशन। तो अब बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी, जो बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी है, यानी ये दो शर्तें, अगर ये दो शर्त में या दो कंडीशन में एक भी कंडीशन को आपने फुलफिल कर लिया, अगर आपने ये दो में से एक भी बात पूरी कर ली, तो आपको उस साल के लिए क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। यानी अगर आपको रेसिडेंट इन इंडिया कहलाना है तो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो कंडीशन नंबर ए को पूरा करना पड़ेगा या फिर कंडीशन नंबर बी को पूरा करना पड़ेगा। तो या तो ए या बी, यानी दोनों में से एक को भी पूरा कर दिया तो भी आप रेसिडेंट बन गए। तो मैं बोल सकता हूं आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी एक, दोनों पूरा ना भी कर, दोनों कर ले तो कोई बात ही नहीं, लेकिन दोनों में से एक भी पूरा कर लिया आपने तो आप क्या बन गए? आप रेसिडेंट इन इंडिया बन गए। तो इसका मतलब नॉन रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉन रेसिडेंट के लिए दोनों में से कोई भी एक पूरा ना करे,
दोनों पूरा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी पूरा कर लिया तो आप यहां बन गए ना रेसिडेंट। तो इसलिए एक्ट तो एक ही चीज बोलेगा, वो दूसरी चीज अपने को इंटरप्रेट करना है। तो एक्ट ने बोल दिया भैया दो शर्त है, अगर दोनों में से आपने एक भी शर्त मान ली या फुलफिल कर लिए कंडीशन को, तो आप इंडिया में उस साल के लिए रेसिडेंट बन जाओगे। तो ऑटोमेटिकली अब इसका मतलब हमें समझना है कि अगर मेरे को नॉन रेसिडेंट बनना है या उस साल के लिए इंडिया में नॉन रेसिडेंट कहलाना है, तो मेरे को ना कंडीशन नंबर ए पूरा करना पड़ा ना कंडीशन नंबर बी पूरा करना पड़ेगा। और इसके बीच में क्या, ए और बी की ए एंड बी, तो अब यहां पे जो आना चाहिए वो आना चाहिए एंड। यानी अगर नॉन रेजिडेंट बनना है तो ना कंडीशन नंबर ए पूरा करना है मुझे और ना ही कंडीशन नंबर बी पूरा करना है। तो जब दोनों पूरा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाएंगे, उस साल के लिए, उस प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया में नॉन रेजिडेंट कहला जाएंगे। और ये जो बेसिक कंडीशन है, ये दोनों ही दोनों बेसिक कंडीशन कहां दी हुई है, ये बेसिक कंडीशन दी हुई है एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, करेक्ट। तो दिस बेसिक कंडीशंस आर गिवन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। यानी 6 सब सेक्शन 1 में जो दो बेसिक कंडीशन है, वो दो में से एक भी अगर मैंने फुलफिल कर लिया तो फॉर दैट प्रीवियस ईयर आई विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया, और अगर दोनों पूरा नहीं करूंगा देन आई विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दैट प्रीवियस ईयर। तो अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो बात ही खत्म, चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा, आंसर फाइनल आ गया, मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। बट प्रॉब्लम है अगर वो रेसिडेंट हो गया तब क्या, क्योंकि मिस्टर एक्स अगर हम रेसिडेंट है तो रेसिडेंट तो कोई आंसर होता ही नहीं, हमने देखा या तो ओआर होता है या एनओआर होता है या एनआर होता है। तो अभी तो हमने ये पता किया कि वो व्यक्ति रेसिडेंट है या नहीं है। जब जवाब ये निकल के आ गया कि हाँ वो रेसिडेंट है, यानी उसने दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर ली है, तो सवाल है अब क्या। तो अब हमें यह पता करना है कि वो कैसा वाला रेसिडेंट है, वेदर ही इज ओआर और ही इज एनओआर, तो उसके बारे में पता करना है। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब कोई व्यक्ति ओआर होता है या एनओआर होता है, उसके लिए भी दो शर्तें दी हुई है विच आर कॉल्ड एज एडिशनल कंडीशन। मतलब ये तो बेसिक कंडीशन है ही, अगर आप बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं तो फिर एक्ट में दो कंडीशन और दी है विच आर कॉल्ड एज एडिशनल कंडीशंस। यानी ये बात पक्की है, एडिशनल कंडीशन मेरे को उसी साल चेक करना है जिस साल मैंने बेसिक कंडीशन पूरा किया होगा। अगर बेसिक कंडीशन ही पूरा नहीं किया होगा तो एडिशनल में आने की जरूरत है क्या, आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया होगा इंस्टीट्यूट में तो क्या आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म तो सेकेंडरी है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म तो वही भर पाएगा जिसने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराया। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया होगा तो एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ने बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया होगा तो एडिशनल कंडीशन तो उसके लिए मायने ही नहीं रखता। तो एडिशनल कंडीशन चेक करने मैं तभी आऊंगा जब मैंने बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को पूरा कर रखा है, यानी ए और बी में से कोई भी कंडीशन को पूरा कर रखा है। तो अब जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन में भी दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए या कंडीशन नंबर बी। अब जैसे अगर मैं पूछूं बेसिक कंडीशन किसके लिए बनाया गया, रेसिडेंट के लिए कि नॉन रेसिडेंट के लिए, तो आमतौर पे बेसिक कंडीशन रेसिडेंट के लिए बनाया गया। यानी बेसिक कंडीशन की शर्त पूरी करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, रेसिडेंट बनूंगा। तो मतलब बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करने पे मैं नॉन रेसिडेंट बनता हूं, तो मतलब वो शर्त तो रेसिडेंट के लिए बनी हुई है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर एडिशनल कंडीशन की बात करें तो आज एडिशनल कंडीशन किसके लिए बनाया हुआ है, आज वो ओआर के लिए बनाया हुआ है कि एनओआर के लिए। यानी अगर मैंने एडिशनल कंडीशन पूरा कर लिया तो मैं क्या बनूंगा, मैं ओआर बनूंगा कि एनओआर बनूंगा। आप यूं समझिए ओआर ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरा टाइम यहीं पड़ा रहता है, एनओआर आता जाता रहता है और एनआर बाहर ही रहता है ज्यादातर। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने आपको रेसिडेंट बना दिया, अब रेसिडेंट बना दिया तो अब मुझे डर है, मान लो मैं अभी तक बाहर ही रहता था, मैं अचानक से एक बार इंडिया आया और क्योंकि इंडिया आया मैंने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली तो गवर्नमेंट की नजरों में मैं रेसिडेंट बन गया, और अगर रेसिडेंट बना तो मैं मान लो ओआर बन गया, तो ओआर बन गया तो मेरी तो पूरे दुनिया भर की जितनी इनकम है सब पे इंडिया पे टैक्स लग जाएगा। तो अब मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं भैया मैं तो कभी कभी आता हूं इंडिया, मैं ऐसा हमेशा के लिए नहीं आया, वो तो सिर्फ इस साल कंडीशन ऐसी हो गए, हालात ऐसे हो गए कि मैंने एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी
और बेसिक कंडीशन पूरा किया, उस चक्कर में तुमने मुझे रेसिडेंट बना दिया और मुझे पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगा रहे हो, ये तो गलत हो रहा है। तो इसलिए उसकी बात को चेक करने के लिए कि वो जो बोल रहा है कि मैं कभी कभी इंडिया आता हूँ, ऐसा रोज रोज इंडिया नहीं आता, उसकी बातों को चेक करने के लिए हम एडिशनल कंडीशन देते हैं। तो उसको हम बोल रहे हैं कि अगर तूने एडिशनल कंडीशन में से कोई भी एक बात पूरी कर ली तो मान जाएंगे जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, और जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी तू क्या बन गया, तू हमारे लिए एनओआर बन जाएगा। यानी अगर तूने एडिशनल कंडीशन ए बी में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ली तो हम तुझे क्या मान लेंगे, हम तुझे उस साल के लिए एनओआर मान लेंगे। यानी एडिशनल कंडीशन किसके लिए है, एनओआर के लिए। तो अगर एनओआर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एनओआर बनने के लिए या तो एडिशनल कंडीशन ए या एडिशनल कंडीशन बी, दोनों में से कोई भी पूरा कर लो तो मान लिया जाएगा कि आप एनओआर हैं। तो दोनों के बीच में और की एंड, तो ऑब्वियसली और, यानी या तो एडिशनल कंडीशन ए पूरा करो या एडिशनल कंडीशन बी पूरा करो। तो दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन आपने पूरी कर ली तो उस साल के लिए हम आपको क्या मान लेंगे, उस साल के लिए हम आपको नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेंगे। मतलब आप रेसिडेंट तो हैं पर कैसे वाले, एनओआर वाले। तो इसका मतलब आप ओआर कब बनोगे, ओआर कब बनोगे, अगर आपने दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं किया तो आप ओआर बन गए। यानी ओआर बनने के लिए ना कंडीशन नंबर ए पूरा करना है और ना ही कंडीशन नंबर बी पूरा करना है, और की एंड, दैट मींस एंड। यानी अल्टीमेटली इस तरीके से एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाला जाएगा। और जो एडिशनल कंडीशन है, जैसे बेसिक कंडीशन दिया हुआ था एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, वैसे ही एडिशनल कंडीशन जो है वो दिया हुआ है एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में। यानी जो एडिशनल कंडीशन है वो दी हुई है 6 सब सेक्शन 6 में, करेक्ट। तो 6 सब सेक्शन 6 में तभी आएगा कोई व्यक्ति जब वो 6 सब सेक्शन 1 की बातों को उसने पूरा किया होगा। अगर किसी ने 6-1 की बात कोई पूरा नहीं किया तो 6-6 की तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी, करेक्ट। सो अल्टीमेटली यानी अब फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि अब दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। दो बेसिक में से कोई भी एक पूरा कर लो तो आप रेसिडेंट है, दोनों पूरा नहीं करो तो आप नॉन रेसिडेंट हो। एक बार दोनों में से कोई भी एक पूरा कर लिया तो फिर एडिशनल कंडीशन 6-6 की चेक की जाएगी। एडिशनल कंडीशन में दो में से कोई भी एक पूरा कर लो तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और अगर दोनों पूरा नहीं करते तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है? यानी अब उनका कब किसी व्यक्ति का स्टेटस ओआर होगा, कब किसी इंडिविजुअल का स्टेटस एनओआर होगा और कब किसी इंडिविजुअल का स्टेटस एनआर होगा, ये तीनों सिचुएशन अब हमारे लिए क्लियर है। तो अब हमें ये जानना है कि वो दो बेसिक कंडीशन क्या है और वो दो एडिशनल कंडीशन क्या है। यानी अब अल्टीमेटली पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इस बात पर निर्भर करता है कि वॉट आर दोज टू बेसिक कंडीशन एंड वॉट आर दोज टू एडिशनल कंडीशन। तो अब अगर हम बात करें बेसिक कंडीशन की, तो बेसिक कंडीशंस कहां दिया हुआ है, तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 गिव्स आउट द टू बेसिक कंडीशंस एंड द टू बेसिक कंडीशंस आर कंडीशन नंबर 1 याने अगर पहली बेसिक कंडीशन की बात करें तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी जिस साल का स्टेटस हम चेक कर रहे हैं उस साल
ऑब्वियसली अब ये हमें मान के चलना है, रेसिडेंट कौन बनेगा? जो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में रहेगा वो रेसिडेंट रहेगा, जो जितना कम इंडिया में रहेगा वो उतना इंडिया से दूर होता जाएगा। और बेसिक कंडीशन क्या बनाने के लिए? आपको रेसिडेंट बनाने के लिए। तो हम आपको रेसिडेंट कब मानेंगे? अगर कोई व्यक्ति इंडिया में ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात करें तो हमारे लिए वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2018-19। तो अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में अगर कम से कम कितना 182 days, तो अगर कोई व्यक्ति कम से कम इंडिया में 182 days या उससे ज्यादा रुकता है तो उसे उस साल के लिए हम इंडिया में क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। 182 days मतलब लगभग 6 महीने। तो अगर साल भर में 6 महीने तुम इंडिया में पड़े हुए हो तो भैया इतना लंबे टाइम से क्या कर रहे हो? कुछ तो कर ही रहे होगे इंडिया में, तभी इतना टाइम इंडिया में रुके हुए हो। और अगर इंडिया में रुके हुए हो तो फिर यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब तुम इंडिया की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। जब इंडिया की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो तो इंडिया में टैक्स भी देना पड़ेगा। तो लगभग अगर कोई व्यक्ति साल में 6 महीने इंडिया में रुक जाता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा? उस साल के लिए इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त हमें यह नहीं लिखना है कि इफ अ पर्सन इज स्टेइंग फॉर 6 मंथ्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि 182 days इज द लीगल लैंग्वेज। तो 182 days मतलब 182 days, ना एक कम ना ज्यादा तो चल सकता है, उसे कम नहीं होना। करेक्ट। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 200 दिन भी रुक रहा है तो इज सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर वन। करेक्ट। तो इसलिए अगर कोई भी, अब हमें स्टेटस जिस साल का चेक करना है उस साल चेक करेंगे कि आप इंडिया में कितना रुके हुए हो। तो अगर जैसे हमारे लिए प्रीवियस ईयर 18-19 है तो हमें जो स्टेटस भी निकालना है वो 18-19 का निकालना है। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में कम से कम 182 दिन रहता है तो उस साल के लिए यानी 18-19 के लिए उस व्यक्ति को इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो अगला सवाल, क्या ये 182 डेज एक साथ रहना पड़ेगा इंडिया में या कभी भी रह सकता है? मान लो वो अप्रैल मई में आता है, फिर जून में चला जाता है, जुलाई बाहर रहता है, अगस्त से लेके फिर दिसंबर तक वो रुकता है, तो लगभग ऐसे तो 182 डेज हो गए। तो सवाल है ये 182 डेज वन स्ट्रेच में रहना है उसको या टुकड़े टुकड़े में भी रह के साल में टोटल करके 182 दिन हो जाए तो भी कंडीशन फुलफिल हो गई माना जाएगा। करेक्ट। तो क्या करना है? टोटल इन वन स्ट्रेच और एग्रीगेट। तो एग्रीगेट यानी एक साथ 182 दिन रुके ऐसा जरूरी नहीं, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक वो अगर टोटल भी 182 डेज या उससे ज्यादा रुक जाता है तो उसने कंडीशन फुलफिल कर ली ऐसा मान लिया जाएगा। अच्छा, ये 182 डेज कहाँ रुकना है? दूसरा सवाल, क्या अब इंडिया में मतलब उसका घर मान लो बॉम्बे में, तो वो 3 महीना बॉम्बे में रहता है, फिर 2 महीने काम के लिए बेंगलोर चला जाता है, फिर 1 महीना वो कभी मान लो रायपुर भी आ जाता है घूमने। तो जब रायपुर घूमने आ रहा है, सवाल है ये सारी चीजों के लिए अब 182 डेज की काउंटिंग में क्या ये सब चीजों को भी काउंट किया जाएगा या सिर्फ जहां उसका घर है वहां पे 182 डेज रहना या जहां पे उसका बिजनेस है उस जगह पे उसे 182 डेज रहना? मतलब ये 182 डेज एक जगह पे रहना है कि पूरे इंडिया में कहीं भी रहे चलेगा? तो पूरे इंडिया में कहीं भी रहे यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो 182 दिन चाहे कहीं भी रहे वो सब चीजों को काउंट कर लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। करेक्ट। दो इशू हमने डिस्कस कर लिया अभी तक, ये 182 डेज यानी साल में एक साथ रहना जरूरी नहीं, टोटल भी चलेगा, और एक जगह पे भी रहना जरूरी नहीं, कहीं भी रहे वो भी चल सकता है, बस इंडिया में रहना चाहिए। सवाल नंबर 3, आप मान लीजिए वो इंडिया आता 1 तारीख को होगा, जाता किसी तारीख को होगा। करेक्ट। तो मान लो वो 10 अगस्त को आया इंडिया और उसके बाद मान लो 5 जनवरी को जाता है, तो 10 अगस्त से 5 जनवरी मान लो 10 अगस्त 2018 को वो इंडिया आया और इंडिया के बाहर वो गया 5 जनवरी 2019, ऐसा ही कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो जब नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया आप काउंट करेंगे तो इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है कि 11 अगस्त से 4 जनवरी तक तो वो इंडिया में था। अब सवाल ये उठ रहा है क्या 10 अगस्त को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया और क्या 5 जनवरी को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। ये इंडिया आने की तारीख है, ये इंडिया से जाने की तारीख है। तो अब
कौन से दिन को, इसके बीच का तो कोई डाउट नहीं है इसलिए इसका डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या डेट ऑफ अराइवल को 182 में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्या डेट ऑफ डिपार्चर को 182 में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या दोनों को काउंट किया जाएगा या दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, करेक्ट? तो अल्टीमेटली ये चार में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी डेट ऑफ अराइवल इंक्लूडेड, डेट ऑफ डिपार्चर नॉट इंक्लूडेड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डेट ऑफ अराइवल नॉट इंक्लूडेड डेट ऑफ डिपार्चर इंक्लूडेड, ऑप्शन सी बोथ द डेट्स एक्सक्लूडेड, ऑप्शन डी बोथ द डेट्स इंक्लूडेड। तो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आने की तारीख को गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, यानी 10 अगस्त को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो वो रात को 11:55 को आता है इंडिया में, 10 अगस्त को रात को 11:55, क्या 10 अगस्त को वो इंडिया में था, काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सो इट विल बी काउंटेड, करेक्ट? यानी 10 अगस्त को वो 11:55 में भी आ गया अगर इंडिया में, तो भी ये माना जाएगा कि 10 अगस्त को ही वॉज इन इंडिया, करेक्ट? तो उसको काउंट किया जाएगा। अगला सवाल, 5 जनवरी 2019, क्या 5 जनवरी 2019 को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया? मतलब मान लो 4 जनवरी को रात को 12:02 में वो इंडिया छोड़ के जाता, उसकी जो फ्लाइट थी वो रात के 12:02 की थी, तो 5 जनवरी लग गया, हाँ या ना, हाँ या ना? तो अब 5 जनवरी को वो इंडिया में था नहीं था, काउंट किया जाएगा वो 5 जनवरी की तारीख को कि नहीं किया जाएगा, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, हाँ या ना? तो इवन ये 5 जनवरी को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी जब ये नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग होती है 182 डेज की, तो 182 डेज में जो बीच का समय है वो तो इंडिया में था, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ जो डेट ऑफ अराइवल है उसे भी शामिल किया जाएगा और जो डेट ऑफ डिपार्चर है उसे भी शामिल किया जाएगा, करेक्ट? तो ये थर्ड केस हो गया जो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट केस हमने जो देखा था कि एक साथ रहना जरूरी नहीं है, साल भर में कभी भी रहो 182 डेज में काउंट होगा। फिर हमने देखा एक जगह पे भी रहना जरूरी नहीं है, पूरा कहीं भी रहे चलेगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी सब कुछ अपना है, करेक्ट? फिर तीसरा हमने देखा जिस दिन आए थे उसको भी शामिल करेंगे, जिस दिन जाओगे उसको भी नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया में काउंट किया जाएगा, करेक्ट? नंबर फोर, आप कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मान लो अमेरिका से जाता उसको पाकिस्तान है, पर अब अमेरिका से पाकिस्तान जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई है ही नहीं मान लो, तो वो होता हुआ वाया इंडिया जाता है, तो अमेरिका से इंडिया आता है फिर इंडिया से पाकिस्तान जाता है, तो वो सिर्फ एयरपोर्ट में रहता है, लेकिन इंडिया से ऐसे बार बार अमेरिका पाकिस्तान तो फ्लाइट जाती नहीं, तो वो आता 12 बजे है या दोपहर के 2 बजे आता है और पाकिस्तान के लिए फ्लाइट रात के 8 बजे, तो 2 बजे से 8 बजे तक वो एयरपोर्ट में ही रहता है मान लो, कहीं बाहर निकलता नहीं है, करेक्ट? तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो वो साल के 365 दिन ऐसे ही करता है डेली अप एंड डाउन, जैसे हम रायपुर से भिलाई अप एंड डाउन करते हैं वैसे वो अमेरिका से पाकिस्तान डेली अप एंड डाउन करता है, यही उसका काम है। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंडिया तो रुका ही नहीं कभी भी, वो तो सिर्फ आने जाने का काम कर रहा है। तो अब ये 182 डेज की काउंटिंग कैसे की जाएगी? किसी भी दिन तो वो इंडिया में रुका ही नहीं कभी भी, वो एयरपोर्ट तो क्रॉस ही नहीं किया। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहां पे आप रुक नहीं पा रहे हैं, ऐसा इंडिया में स्टे नहीं है, तो अराइवल डिपार्चर का तो बात ही नहीं उठता, तो वैसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स काउंट किया जाएगा कि आप कितने आवर्स इंडिया में थे, एंड 24 आवर्स विल ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूट 1 डे। तो अगर ऐसा करते 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 हर 24 घंटे को एक दिन मान के अगर 182 हो गया, तो फिर उठा के अगली बार वो अमेरिका से इंडिया आया तो उसी को एयरपोर्ट में बांध के बैठा देंगे जब तक, क्योंकि अब वो रेसिडेंट बन गया अगर 182 डेज हो गया 24 आवर्स के हिसाब से, करेक्ट? तो अगर वो रेसिडेंट हो गया तो उसको बांध के बैठा देंगे, क्यों? क्योंकि यूं समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट हो जाता है तो उसकी तो वर्ल्ड वाइड इनकम जो है उस पर इंडिया में टैक्स लग जाता है, तो वो अमेरिका से पाकिस्तान काम करने जाता था या जो भी कमाता था, इंडिया में कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंडिया में रेसिडेंट बन गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, और उसकी सब इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, तो जब तक वो टैक्स नहीं देगा इंडिया से उसको अगली बार पाकिस्तान जाने नहीं दिया जाएगा, करेक्ट? तो इसलिए यानी 24 आवर्स इन अ डे विल कंस्टिट्यूट 1 डे फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग 182 डेज। अगला, ये सारे कंडीशंस पढ़ रहे हैं, ऐसे इन्हीं में से एक पे क्वेश्चन दे देगा। अगर कोई व्यक्ति एग्जैक्टली 182 दिन इंडिया में रुकता है, इज ही रेसिडेंट इन इंडिया नॉट, जब एग्जामिनर को कंफ्यूज करना हो तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा यही बोलेगा एग्जैक्टली 182 डेज रुका, अब बताइए वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, 182 डेज और मोर
इसका मतलब एग्जैक्टली 182 डेज में भी बेसिक कंडीशन ए फुलफिल्ड है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो अब लिखते वक्त हम क्या गलती करते हैं, तो एग्जाम में आएगा हाउ डू यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और व्हाट आर द टू बेसिक कंडीशन, तो आप लिख के आएंगे बेसिक कंडीशन ए, अ पर्सन मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब अगर आपने लिख के आ गया पर्सन मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब अब आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो इंडिया में 182 दिन रुकता है वही रेसिडेंट है, तो जो 200 दिन भी रुकेगा आपके मुताबिक वो रेसिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन तो फुलफिल नहीं की आपके सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि आपने क्या लिखा ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज, आपने और मोर वर्ड खा गए। तो जब और मोर वर्ड खा जाओगे तो चेक करने वाला आपके नंबर भी खा जाएगा, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस के मुताबिक जो व्यक्ति इंडिया में 200 दिन रुकता है आपके हिसाब से वो रेसिडेंट नहीं है, जबकि वो इंटेंशन नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा है 182 डेज और मोर, तो एक व्यक्ति रेसिडेंट कब कहलाएगा, व्हेन ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। लास्ट केस, बेसिक कंडीशन ए के जितने केसेस बन सकते हैं सब डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे तो क्या लिखा हुआ है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। तो फॉर एग्जांपल लेडी डायना आती है इंडिया और इंडिया में 200 दिन रुकती है, बट स्टिल वो क्या बोलती है, आई एम नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। बोले क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है यहां पे, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, और मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है ही और शी फर्क होता है, तो आपने शी तो बोला ही नहीं है, आपने तो क्या बोला ही मस्ट बी इन इंडिया। तो सवाल है अब क्या उसे एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा, क्या उसकी बात सही है या नहीं, हाँ या ना। तो क्या मतलब फिर अब लिखते वक्त हमें यह भी लिखना पड़ेगा ही और शी मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज, द आंसर इज नो। यानी एक्ट में तो यही लिखा हुआ है ही मस्ट बी, लेकिन एक और एक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज जनरल क्लॉज एक्ट, और जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से जहां भी किसी भी एक्ट में अगर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब द वर्ड ही विल इंक्लूड शी। तो बार बार आपको जो भी एक्ट है हर जगह ये आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि अगर ही बोल रहा है तो उसके साथ ऑब्लिक शी करके भी लिखेगा, वरना वैसे ही ऑलरेडी एक्ट हमारे क्या कम बड़े, जो अगर हर जगह ही ऑब्लिक शी ही हिज ऑब्लिक हर लगाना चालू कर देंगे तो आप सोचिए हर एक्ट कितना बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एक्ट किसी भी जेंडर में लिखा गया हो बट ऑब्वियसली माना जाएगा वो सब पे एप्लीकेबल होता है, करेक्ट। तो इसलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो कोई ये कंडीशन पूरा करेगा तो उसे उस साल के लिए हम रेसिडेंट मान लेंगे, बिकॉज ही हैज फुलफिल्ड कंडीशन नंबर ए। अब सवाल है ये कंडीशन मैं पूरा नहीं करता, मैं इंडिया में 100 दिन नहीं रुका, तो ऑब्वियसली अब फर्स्ट कंडीशन तो पूरी नहीं हो सकती। तो अगर कोई व्यक्ति 182 दिन नहीं रुकता तो क्या अब वो कभी इंडिया में रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, तो उसके लिए एक ऑप्शन और दिया, दैट इज कंडीशन नंबर बी। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में और है, तो या तो बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी। अब बेसिक कंडीशन बी में क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला हम एक चांस और देते हैं, अगर आप किसी कारण से 2018-19 में 182 दिन नहीं भी रुक पाए थे तो कोई बात नहीं, अगर आप ये वाली कंडीशन पूरा कर लोगे तो भी हम आपको 18-19 में रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। सो व्हाट इज कंडीशन नंबर बी, सो कंडीशन नंबर बी इज ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी बेसिक कंडीशन बी क्या बोल दी कि अगर आप इंडिया में 182 दिन नहीं भी रुक रहे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर यानी 2018-19 में
60 डेज भी रुक जाओगे, मतलब लगभग 2 महीने, तो 2 महीने भी अगर आप इंडिया में रुकोगे 60 डेज यू विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। तो सवाल है अगर यही दो कंडीशन रहेगी तो ये कंडीशन तो कभी इन मतलब यूज ही नहीं रह जाएगा उसका, ये कंडीशन का। तो अगर यही दो कंडीशन होती, एक में बोलता 182 डेज और मोर, एक में बोलता 60 डेज और मोर, तो फिर ऑब्वियसली ये तो इस कंडीशन की तो वैल्यू ही खत्म हो जाती, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। मतलब अगर पासिंग मार्क्स के लिए दो क्राइटेरिया दे दिया जाता, एक में बोलता पहले पॉइंट में आपको लिखता कि केवल वही बच्चा पास होगा जो कम से कम 50 नंबर लाता है, और फिर दूसरे पॉइंट में लिखता कि अगर कोई 20 नंबर भी लिया था उसको भी पास मान लेंगे, तो क्या 50 की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? द आंसर इज नो। तो इसलिए ये कंडीशन में ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ा, यानी कंडीशन नंबर बी में दो बातें एक साथ पूरी करनी पड़ेंगी आपको, तब जाके माना जाएगा कि आपने कंडीशन नंबर बी फुलफिल किया। और वो दो बातें क्या है कि आपको कम से कम 18-19 में, यानी 18-19 में तो आपको कम से कम 60 डेज तो रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। लेकिन ये अगर आप पूरा करेंगे तो एंड, इसके साथ साथ एक बात और पूरी करनी पड़ेगी, और वो दूसरी बात क्या है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोला, तो सेकेंड बेसिक कंडीशन बोला कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। तो 18-19 में तो कम से कम 60 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक बात और चेक करेंगे कि तुम पास्ट में इंडिया कितना रुके हो। जितना तुम ज्यादा रुकोगे उतना रेसिडेंट बनते जाओगे। इसलिए अब हम तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कब तक का, पिछले 4 सालों का। तो अगर पिछले 4 सालों में हम टोटल करेंगे कि तुम टोटल इंडिया में कितना रुके हो 4 सालों में मिला के, और अगर पिछले 4 सालों में तुमने टोटल 365 डेज मतलब लगभग एक साल, 4 साल में एक साल मतलब ऑन एन एवरेज हर साल में 3-3 महीना, तो अगर तुम हर साल 3-3 महीने 3-3 महीने ही रुकते हो, मतलब एक व्यक्ति हर साल 3 महीना इंडिया में आता है हर साल के लिए, तो हर साल के लिए अगर वो व्यक्ति 3 महीना इंडिया में आएगा तो करेंट ईयर 18-19 में 3 महीना यानी 90 दिन रुका, और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में हर साल 3 महीने आता था मतलब लगभग 365 दिन हो गए। तो यानी आप क्या किया, उसने कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर लिया। तो अगर ये वाली कंडीशन भी आप फुलफिल करोगे तो इस साल हम आपको रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। क्यों भैया हर साल क्यों आ रहे हो 3 महीना इंडिया में, पक्का कुछ सेट किया हुआ यहाँ पे तभी आ रहे हो? तो जब तुम्हारा जो बिजनेस है कुछ ना कुछ तो उससे कमा रहे होगे, तभी हर साल 3-3 महीना 4-4 महीना आ जाते हो इंडिया में। बस 182 डेज पूरा ना हो एक साथ इसलिए ऐसा काम नहीं करते हो, लेकिन हर साल 4 महीने आ रहे हो, हर साल 5 महीना आ रहे हो, तो पक्का है कुछ तो कमा रहे हो यहाँ से, यानी यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर एक साल में 182 डेज ना रुके तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने उस साल यानी 18-19 में 60 डेज भी रुक गए तो उसके साथ आप पिछले 4 साल यानी विथ रिस्पेक्ट टू 18-19 अगर हम बात करें, यानी 18-19 में अगर किसी का स्टेटस निकालना है तो 18-19 में कम से कम 60 दिन तो उसको रहना ही पड़ेगा, और पिछले चार साल यानी 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15, तो यानी ये 4 साल यानी हमारे लिए तो ये फिक्स कर सकते हैं हम 18-19 के लिए। तो अगर ये 4 सालों में 17-18, 16-17, 15-16, 14-15 ये 4 सालों में आप कितने थे इंडिया में वो देखेंगे, और अगर वो उसका टोटल अगर 365 को क्रॉस कर गया, 365 या उससे ज्यादा हो गया,
तो अगेन उठा के तुम्हें रेसिडेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। यानी 18-19 में तो 60 डेज होना ही होना, और 14-15 से लेके 17-18 तक 365 भी होना। ये दोनों एक साथ पूरा करोगे तब जाके कंडीशन नंबर बी आपने पूरी की ऐसा माना जाएगा, और तब जाके आपको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। करेक्ट। सो देयर आर टू बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर वन, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बेसिक कंडीशन टू, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और 4 ईयर्स कौन से? इमीडिएटली वाले। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी 4 साल उठा लिए। तो अगर 18-19 का चेक कर रहे तो उसके इमीडिएटली पिछले 4 साल, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10-11 भी तो 18-19 से पहले है। तो 10-11 में कितना रुके थे इंडिया में? मैं तो वही 4 साल, एज एन असेसी मैं हमेशा वही 4 साल उठाने की कोशिश करूंगा जिस साल मैं इंडिया में कम से कम रुका था। और एज अ डिपार्टमेंट वो कोई भी 4 साल ऐसे उठाना चाहेगी जहां वो सबसे ज्यादा इंडिया में रुका हो, तो ऐसा काम नहीं आएगा। इमीडिएटली पिछले 4 साल, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखना है ना, तो इमीडिएटली पिछले 4 साल वो व्यक्ति इंडिया में कितना रुका वो देखा जाएगा। और वो अगर 365 दिन या उससे ज्यादा होता है और करेंट ईयर में उसके साथ साथ 60 डेज भी होता है तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो दिस आर द टू बेसिक कंडीशन। तो अब सवाल, अगर कोई व्यक्ति को नॉन रेसिडेंट बनना है तो एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट कब बन सकता है? हाँ हाँ, तो आप दोनों कंडीशन आपके सामने है ना, तो आप बताइए एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट कब बन सकता है? जब वो व्यक्ति, मैं बोलूं अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 60 दिन भी नहीं रुकता, इफ अ पर्सन इज नॉट स्टेइंग इवन फॉर 60 डेज, तो वो तो 100% उस साल के लिए नॉन रेसिडेंट है। यानी अगर मैं सिर्फ इंडिया में 50 दिन रुकता हूं तो आई एम अ नॉन रेसिडेंट। तो अब मैं इंडियन सिटीजन होने के बावजूद, मान लो 18-19 में मेरे को कोई काम आ जाता है और मैं अमेरिका चला जाता हूं, और अमेरिका से जब मैं इंडिया आता हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए अगर मैं आता हूँ, तो मान लो 50 दिन आता हूँ, लंबी लंबी क्लास लेता हूँ, 50 दिन पढ़ा के चला जाता हूँ, तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैं उस साल इंडिया में सिर्फ 50 दिन था, तो कोई ताकत नहीं है जो मुझे रेसिडेंट बना सके। और अगर मैं रेसिडेंट नहीं हूँ तो इसका मतलब नॉन रेसिडेंट हूँ, और अगर नॉन रेसिडेंट हूँ तो क्या मतलब मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ? क्या आप मुझे भारतीय नहीं मानोगे? तब मैं तो तब भी भारतीय ही हूं ना, आई एम एन इंडियन सिटीजन। तो इसलिए मैंने आपको बोला था सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। तो इवन एन इंडियन सिटीजन जो इंडिया में सिर्फ 50 दिन रुका उस साल, वो उस साल के लिए नॉन रेसिडेंट बन सकता है। और इवन चार्ल्स जो बाहर बैठा था, वो गलती से इंडिया हर साल 3 महीना आता है बस, तो फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद, क्योंकि हर साल 3 महीने वो इंडिया आता है, तो वो एक इंडियन सिटीजन बन गया। करेक्ट। तो फॉरेनर होने के बावजूद चार्ल्स इंडियन रेसिडेंट बन गया। तो चार्ल्स एक फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद इंडियन रेसिडेंट बन गया, और मैं एक इंडियन सिटीजन होने के बावजूद एक नॉन रेसिडेंट बन गया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इसलिए सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर। करेक्ट। सो अगर नॉन रेसिडेंट बनना है तो या तो 60 दिन भी मत रुको, तो आप 100% नॉन रेसिडेंट है। या कब ऐसा हो सकता है मैं 60 दिन से ज्यादा रुकता हूं फिर भी नॉन रेसिडेंट हूं? तो मैं करेंट ईयर 18-19 में तो मान लो 100 दिन रुकता हूं, लेकिन पिछले 4 सालों में 360 दिन ही रुका था, तो करेंट ईयर तो 100 डेज है, लेकिन प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 360 डेज ही था। तो मतलब ये वाली चीज तो फुलफिल कर रहा हूं लेकिन ये पूरी नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं रेसिडेंट हूं माना जाएगा? हाँ या ना? तो अगेन आई विल बी नॉन रेसिडेंट। रिवर्स, मैं करेंट ईयर में 50 दिन रुकता हूं लेकिन पिछले 4 सालों में 400 दिन था, करेंट ईयर 50 दिन और पिछले 4 सालों में 400 दिन, क्या मैं रेसिडेंट हूं? तो करेंट ईयर 50 दिन मतलब ये पूरा नहीं किया, तो भले ये पूरा कर लो, दोनों के बीच में क्या है? एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट अब हमें पता है एंड और का मतलब क्या होता है। तो यानी दोनों पूरा करना पड़ेगा तब माना जाएगा कि आपने बेसिक कंडीशन बी फुलफिल करी है। और अल्टीमेटली 182 दिन से अगर मैं ज्यादा रुकता हूं करेंट ईयर में इंडिया में, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मुझे उस साल के लिए रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? इज द बेसिक कंडीशंस क्लियर? तो ये जो दोनों बेसिक कंडीशन है ये दी हुई है एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। कोई डाउट?
आगे बढ़े, करेक्ट। तो अब यानी हमने ये जान लिया कि वो दो बेसिक कंडीशन क्या है, और बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी एक को अगर मैंने पूरा किया तो मैं रेसिडेंट बन गया, और दोनों को पूरा नहीं करूंगा तो नॉन रेसिडेंट। यानी अगर मैंने दोनों को पूरा नहीं किया, चैप्टर वहीं पे खत्म। अब मान के चलते हैं कि मैंने कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ली, या तो 182 वाली या 60 प्लस 365 वाली, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैं पूरा कर लूंगा। तो अब अगला जो रास्ता रहेगा मेरे पास वो रहेगा एडिशनल कंडीशन का। और जो एडिशनल कंडीशन है अगर उसको मैंने पूरा कर लिया तो मैं क्या बनूंगा, मैं एनओआर बनूंगा। यानी एडिशनल कंडीशन किसके लिए है, एनओआर के लिए। मतलब गवर्नमेंट तो चाहती है आप रेसिडेंट बन जाओ, क्यों, क्योंकि रेसिडेंट बनते ही आपको रस्सी से बांध के बैठा देंगे, जब तक आप अपनी पूरी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स नहीं दोगे आपको छोड़ेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट पूरा तुली हुई है आपको रेसिडेंट बनाने के लिए, वो भी कैसा वाला, ऑर्डिनरी। लेकिन आप बोलते हो मैं एंटनी हूं, मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हूं, मैं कभी कभी आता हूं, पर इस साल इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रुक गया था तो तुम मुझे रस्सी से बांध के बैठा दिया यहां पे, ये नहीं चलेगा। मेरे को ऑर्डिनरी मत बोलो, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एंटनी हूं, तो मैं आता जाता रहता हूं इंडिया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है साबित कर कि तू इंडिया में नहीं पढ़ा रहता पूरे टाइम। तो अब उसके लिए एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन क्या होना चाहिए, जितना मैं कम से कम इंडिया में रुकूंगा तो ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लॉजिक अगर लॉजिकली बात करें कि मैं एनओआर साबित करना चाहता हूं तो एनओआर कब साबित करूंगा, जब मैं कम से कम इंडिया में रुकूं। जितना ज्यादा मैं इंडिया में रुकता जाऊंगा उतना वो मैग्नेट, रेसिडेंट का मैग्नेट मेरे को अट्रैक्ट करता जाएगा, और रेसिडेंट बन गया तो सारी इनकम पे टैक्स लगना तय हो जाएगा, करेक्ट। तो अब मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं रेसिडेंट तो हूं, पर ऐसा वाला नहीं जो पूरा टाइम यहीं पड़ा रहता है, मैं आता जाता रहता हूं और इंडिया में बहुत कम रुका हूं। अब मान लो मैं सालों से अमेरिका में था, सिर्फ एक साल इंडिया में आया और 200 दिन रुक गया, आप तो मुझे रेसिडेंट बना लिए। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स हमेशा बाहर ही रहता है, पर मान लो किसी साल उसको इंडिया में काम आया और इंडिया में 200 दिन आके रुक गया, 200 दिन। अब अगर वो 200 दिन रुक गया तो आप तो पकड़ के बैठा दोगे उसको, ला भैया पूरा टैक्स ला, और पूरा टैक्स मतलब किसका टैक्स, पूरे माइक्रोसॉफ्ट का, अपनी जितनी भी कमाई है जो तू अमेरिका में कमाता होगा जो भी करता होगा सब पे यहां पे टैक्स दे। क्या बिल गेट्स उसको आप बोल रहे तू साधारण व्यक्ति है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तू, तो क्या ऐसा बोला जा सकता है, द आंसर इज नो। वो बोलेगा मैं तो बाहर ही रहता था, वो तो एक साल अचानक से आ गया, तो अचानक से किसी व्यक्ति को ओआर नहीं बनाया जाता। स्टेटस क्या होता है, पहले वो एनआर होता है, फिर वो एनओआर बनता है पहले, फिर जाके वो ओआर बनता है, करेक्ट। स्टेजेस होते हैं, सीधा एनआर से ओआर बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में बनते हैं। तो फर्स्ट यू बिकम एनआर इफ यू आर एन एनआर, देन यू बिकम एनओआर, एंड देन फाइनली यू बिकम ओआर। तो सवाल है व्हेन यू बिकम एनओआर, यानी व्हाट आर दोज टू एडिशनल कंडीशंस। तो अब अगर उस एडिशनल कंडीशन की बात करें तो एडिशनल कंडीशन दी हुई है एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। All the additional conditions are given under section 6, subsection 6. और ज़्यादा नहीं, दो ही कंडीशन है, जैसे दो बेसिक कंडीशन थी वैसे दो एडिशनल कंडीशन है, और इसमें मुझे साबित करना है कि मैं कम से कम इंडिया में रुका था। तो एडिशनल कंडीशन ए, अब यहां पे आपको साबित करना है कि आप इंडिया में कम से कम रुकते हो। जब कम से कम रुकते हो तो इसका मतलब ये मैं कैसे साबित कर पाऊंगा, तो करेंट ईयर की तो बात ही नहीं कर रहे होंगे, ये हमेशा किसके थ्रू साबित होगा, आपके ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू, कि आप भैया पुराने सालों में इंडिया में कितना रुके थे। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है, हिस्ट्री क्या बोलती है, उसी के बेसिस पे डिसाइड हो सकता है कि आप इस साल एनओआर बनोगे या ओआर बनोगे। तो यानी एडिशनल कंडीशन कभी भी करेंट ईयर की बात नहीं करेगा। अगर 18-19 में मैं ओआर हूं या एनओआर हूं ये पता करना है तो मैं 18-19 में कितना इंडिया में रुका उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी हमने यहां पे देख लिया था। तो एडिशनल कंडीशन हमेशा आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेगा कि आप पिछले सालों में क्या करते आए।
तो पहली एडिशनल कंडीशन है, ही मस्ट बी एनआर इन 9 out of 10 years. Preceding the relevant previous year, यानी जिस साल का भी हम स्टेटस चेक कर रहे हैं उस साल से पहले वाले साल, क्योंकि उस साल की तो कोई बात ही नहीं करना, उस साल से पिछले 10 साल चले जाना, तुम्हारे पिछले 10 साल का इतिहास देखेंगे. पिछले 10 साल में अगर कम से कम 9 साल तुम नॉन रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट एनआर नहीं, नॉन रेसिडेंट, तो 10 में से अगर 9 साल तुम एनआर थे तो ठीक है, इस साल हम तुमको एनआर मानने के लिए तैयार है. मतलब लंबे समय तक के लिए तो तुम एनआर ही थे, तो एनआर से अचानक ओआर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम तुम्हें क्या मानेंगे, एनआर मान लेंगे इस साल के लिए. तो पिछले 10 सालों में 9 साल आपको क्या रहना पड़ेगा, एनआर रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस साल एनआर बन सकते हो. अब ये 10 में से 9 साल लगातार होना गया तो अगेन नहीं, मतलब कोई भी, मतलब बीच में ज्यादा ज्यादा एक ही गैप तो अलाउड है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा गैप हुआ तो बात ही खत्म, ये कंडीशन ही कभी पूरी नहीं हो पाएगी. या मैं यूं कहूं, अगर पिछले 10 सालों में मैं 2 साल भी रेसिडेंट बन गया तो ये कंडीशन कभी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता मैं, करेक्ट. तो इसलिए या तो ये चेक करो 10 में 9 साल नॉन रेसिडेंट है, या ये चेक कर लो किस सालों में वो रेसिडेंट था. अगर 2 साल में वो रेसिडेंट निकल गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन कभी पूरी नहीं हो सकती. तो पिछले 10 सालों में 9 साल कम से कम उस व्यक्ति को क्या रहना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट रहना पड़ेगा. और नॉन रेसिडेंट कब रहते हैं, उसके लिए तो ऑलरेडी वही कंडीशन थी. तो यानी 18-19 का स्टेटस चेक करना है तो चेक करो 17-18 में उसका स्टेटस क्या था. तो आएगा 17-18 में क्या था, वो एनआर था. 16-17 में क्या था, 16-17 में भी एनआर था. 15-16 में क्या था, 15-16 में भी एनआर था. 14-15 में क्या था, मान लो 14-15 में वो एनओआर था. अब एनओआर हो या ओआर हो, एट लास्ट रेसिडेंट होता है, करेक्ट. तो 14-15 में एनओआर था, फिर 13-14 में क्या था, 13-14 में उसका स्टेटस एनआर. मतलब पिछले सालों का स्टेटस तो उसका पता ही होगा हमें, तो पिछले 10 सालों का स्टेटस देख लो, और 10 में से अगर वो 9 साल नॉन रेसिडेंट था तो उसने ये कंडीशन फुलफिल कर ली, तो इस साल भी वो एनओआर ही कहलाएगा. तो 10 साल मतलब कहां तक जाएंगे, ये तो 5 साल हो गए, 5 और पहले, तो मतलब 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9 हो गया 10. तो मतलब अगर 18-19 में कोई व्यक्ति ओआर है या एनओआर है ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2008-09 से लेके 2017-18 तक का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था वो एक जगह नोट कर लो. और निकालने का तरीका तो यही था, वो तो तरीका दिया होगा क्वेश्चन में. मान लो दिया होगा वो 17-18 में इंडिया में कितना रुका, तो लिखा रहेगा 17-18 में वो इंडिया में 40 दिन था. 40 दिन था मतलब ऑटोमेटिकली कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब 17-18 में वो एनआर था, क्योंकि 40 दिन ही रुका, ना बेसिक कंडीशन ए पूरी कर सकता ना बी पूरी कर सकता, तो वो तो एनआर हो गया 17-18 में. फिर 16-17 में लिखा होगा वो 12 दिन इंडिया में था, तो 12 दिन इंडिया में था मतलब ऑटोमेटिकली एनआर हो गया उसका, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है. तो हर साल का 8-9 से लेकर 17-18 तक का उसका स्टेटस क्या था लिख लो. अगर इसमें कोई भी 2 साल मुझे एनआर के अलावा लिखा हुआ अगर मिल जाता है तो ये कंडीशन वो पूरी नहीं कर सकता. तो 10 में से 9 बार अगर एनआर लिखा हुआ होगा तो ये कंडीशन फुलफिल्ड है, तो या तो ये पूरी कर लो. और अगर ये कंडीशन टफ लगती है, पूरा करना आसान नहीं हो रहा, तो फिर एक दूसरी कंडीशन भी दे देते हैं साबित करने का एक और मौका. और दूसरा मौका है, अब तुझे कम से कम इंडिया में रुकना पड़ेगा ना, तू बोल रहा है कभी कभी आता है इंडिया, तो अगर कभी कभी आता है तो कभी कभी मतलब कितना कभी और कितना कम रुकता है इंडिया में. तो अब उसके लिए चेक करेंगे कि तू पिछले 7 सालों में कितना रुका था, और 7 सालों में 729 दिन या उससे कम रहना. 729 दिन मतलब 2 साल लगभग, तो एग्जैक्टली 2 साल 730 दिन हो जाता है. तो 7 साल में अगर तू 2 साल इंडिया में था, उधर तो 4 साल में 1 साल रुकता था तेरे को रेसिडेंट बना देते, 7 साल में 2 साल तू इंडिया में था,
तो फिर क्या कभी कभी, फिर कभी कभी कुछ काम नहीं आता, तू तो आते जाता रहता। तो अगर तू साबित करना चाहता है कि तू कभी कभी इंडिया में आता है तो 2 साल से भी कम रहना, यानी 730 में तो एग्जैक्टली 2 साल हो जाएगा, तो इससे 729 दिन। तो पिछले 7 सालों में अगर तू इंडिया में 2 साल भी नहीं रुका तो मान लेंगे कि हाँ चल तू ठीक बोल रहा है, कभी कभी इंडिया आता है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 days और लेस। अभी तक हर जगह मोर पढ़ते आ रहे थे, ये लेस है। अब आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। वहां मोर क्यों करा हमने डेज, क्योंकि वहां पे हम किसके लिए पढ़ रहे थे, रेसिडेंट के लिए। तो जितना ज्यादा रुकोगे उतना तो रेसिडेंट बनते जाओगे, इसलिए बेसिक कंडीशन किसके लिए थी, रेसिडेंट के लिए थी। और एडिशनल कंडीशन क्यों पढ़ रहे हैं, आपको एनओआर बनाने के लिए। तो जितना कम रुकोगे इंडिया में उतना ही तो एनओआर बनोगे। एनआर तो मतलब वो रहता ही नहीं था इंडिया में, यू समझो 60 दिन भी नहीं रहता था। और दूसरा कंडीशन 729 days और लेस। अगर मैं और मोर लिख दूंगा मतलब भैया मैं तो उसको फिर खुली छूट दे रहा हूं, तेरे को जितना रुकना इंडिया में रुक जा, फिर कहेगा तू एनओआर, फिर तो और हो गया। तो इसलिए ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 days और लेस। और कब तक, पिछले 7 साल। ऑलरेडी 4 साल का इंफॉर्मेशन है, यहां 10 सालों का इंफॉर्मेशन है, तो 7 साल का भी तो रहेगा, उसी के बीच की तो बात चल रही है। तो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 days और लेस ड्यूरिंग लास्ट 7 years। और ये 7 वही वाले, कोई भी 7 साल नहीं, इमीडिएटली पिछले 7 साल। सो लास्ट 7 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी अगर बात करें तो पिछले 7 साल कौन से हुए, तो आज ये 7 साल है, यानी 2011-12 से लेके 2017-18 तक वो व्यक्ति इंडिया में कितना था वो देख लो, उसका टोटल कर लो। वैसे ही 4 साल तक का टोटल तो यहाँ किया हुआ ही था 365 निकालने के लिए, वैसे ही 3 साल ही तो और जोड़ना है उसमें, तो 3 साल और कितना रुका था इंडिया में वो जोड़ लो। और अगर वो टोटल 729 या उससे कम आता है तो वो ठीक बोल रहा है। और वो क्या बोल रहा था कि मैं कभी कभी आता हूँ इंडिया। तो जो कभी कभी इंडिया आता है, जो ज्यादा इंडिया में नहीं रुकता है, सिर्फ 1 साल अचानक से 182 क्रॉस हो गया था इसके कारण रेसिडेंट बन गया था, तो अब उसको ओआर नहीं मानेंगे, तो अब वो कौन रहेगा, अब वो एनओआर कहलाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक पूरा कर लो, ही विल बी ट्रीटेड एज एनओआर इन इंडिया। क्लियर पूरी तरीके से। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल।